आंवला लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा दातागंज में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप एवं बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवाद पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, जबकि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली कांग्रेस भी 10 सालों में लुप्तप्राय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में उनके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि हम गरीबों को 1 रुपये भेजते हैं तो उनके खाते में 12 पैसे ही पहुंचाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में यदि 1 रुपये भेजा जाता है तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया ही खाते में पहुँचता है। मोदी ने जनधन खाते खुलवाकर देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नाटकीय घटनाक्रम के तहत जौनपुर जेल से बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। इसी दौरान उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई। तभी से माना जा रहा था कि धनंजय सिंह किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। आज बरेली सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पत्नी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। माफिया पर सवाल करते हुए कहा कि इस समय चुनावी बातें करने का समय है। मीडिया का जो सकारात्मक रुख रहा उसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया। लोकसभा बरेली व आंवला के लिए 7 मई को मतदान है, जिसको संपन्न कराने के लिए विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 29 अप्रैल को राजकीय इंटर कॉलेज में चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को मतदान संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें शिक्षा मित्र खंड शिक्षा अधिकारी मीरगंज, अनुदेशक खंड शिक्षा अधिकारी मीरगंज प्रशिक्षण पर नहीं पहुंचे, जिस कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को 5 दिन पहले वोटर पर्ची पहुंचाने की जिम्मेदारी BLO को सौंपी है, लेकिन BLO ने अभी तक वोटरों को पर्ची नहीं पहुंचाई है, अपने पास दबाकर बैठ गए हैं। आयोग जहां एक तरफ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, वहीं BLO आयोग की इस महत्वाकांक्षी कवायद पर पानी फेरते दिखाई देते नजर आ रहे हैं। बदलते दौर में मतदाताओं के पास पर्ची पहुंच जाना ही मतदान की गारंटी हो सकती है। मतदाता के यहाँ पर्ची न पहुँचने पर सोचा जाता है कि शायद वोट कट गया है, इसलिए पर्ची नहीं आई है, इसलिए वोटर मतदान के लिए जाते ही नहीं है। बरेली में लोकतंत्र के महासंग्राम में लोगों की मतदाताओं की सहूलियत के लिए बनाया गया ये ऐप अब देश भर में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग को ऐप की थीम भेजी है। माना जा रहा है कि परीक्षण के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने चुनाव में माई बूथ ऐप को सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों और निजी संस्थानों में ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए थे। हजारों लोगों ने ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ही मतदान स्थल पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वोटरों की कतार, BLO का मोबाइल नंबर से लेकर अन्य जरूरी जानकारियां घर बैठे ली जा सकती है। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग इज्जतनगर के तत्वावधान में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त तिमाही की समीक्षा बैठक एवं हिंदी साहित्य में संत कबीर दास का योगदान विषय पर विशेष हिंदी संगोष्ठी का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता सुरेश बाबू मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज ने बताया कि कबीर दास के साहित्य में शाश्वत प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। वे भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के एक प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय देश की अधिकांश जनता अशिक्षा के गहन अंधकार में डूबी हुई थी। बरेली के भुता पुलिस ने 2 दिन पहले हुए फरमान हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। भुता थाना क्षेत्र के गांव परेवा कुया में 10वीं के छात्र फरमान की धारदार हथियारों से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। किशोर का शव अगले दिन सुबह गांव के बाहर नरेश के मकान के पीछे इलियास के खेत में मिला था। पुलिस ने मृत छात्र के पिता की तहरीर के आधार पर गांव के ही नामजद आरोपी गौतम और 2 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में थाना फरीदपुर क्षेत्र के पचैमी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष वालों ने महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर जांच कराने की मांग की है। साथ ही 2 बच्चों की हत्या का आरोप भी लगाया है। आरोप है कि महिला की शादी के बाद से धीरे धीरे ससुराल वाले लता को प्रताड़ित करने लगे थे। इस बीच लता ने 2 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें पहले बेटे को ससुरालियों ने पैदा होने के बाद ही मार डाला और वहीं दूसरे बेटे को पैदा होने के करीब 7 महीने बाद मार दिया। परिजन ने बताया कि जब परिवार वाले ससुराल पहुंचे तो लता का शव जमीन पर पड़ा मिला था। वहीं उनका कहना है कि लता के गले पर निशान बने हुए थे, इसलिए मायके वालों को शक है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है।
बरेली में बाइक से जा रहे स्कूटी सवार को तेज गति से जा रही रोजवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। युवक व उसकी बेटी घायल हो गए। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के करमपुर चैधरी निवासी शहादत खान पत्नी परवीन के साथ अपनी नववर्ष की बेटी को लेकर दावत में जा रहे थे। इस दौरान शेरगढ़ बस स्टैंड के पास रोडवेज बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे परवीन की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में लव मैरिज करने से नाराज परिवार के कुछ लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। युवक ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले भी दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस उपचार के लिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बारादरी थाना क्षेत्र के कानकर टोला की घटना।